हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं हम सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग सीख रहे हैं और स्ट्रिंग में हम कॉन्केटिनेट कराएंगे एक फंक्शन का यूज करके। तो सबसे पहले तो यहाँ हेडर फाइल मैं बनाने वाला हूँ, चलिए हेडर फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग हमें एक और हेडर फाइल लगानी होगी string.h, तो ये लिख दिया मैंने string.h, ठीक है ये लिख दिया। और फिर यहाँ पर मेन फंक्शन बनाएंगे और ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये मेन फंक्शन है। यहाँ पर आएंगे तो नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर कैर टाइप का डेटा टाइप हम ले लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है और कॉन्केटिनेट करवा के प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर हम कैर टाइप का डेटा टाइप ले लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे char कैर ले लिया हमने, और कैर में क्या करेंगे, कैर में हम a1 नाम से और a2 नाम से डेटा टाइप तो हमने कैर नाम से लिया, a1 a2 नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये लिख दिया मैंने a1, और a1 में अगर हम साइज नहीं देते हैं तो हमारा कोई एरर नहीं आएगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि यहाँ पर आपको कोई एरर आ सकती है, तो कोई एरर नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सूरज और इसको बंद किया और यहाँ से टर्मिनेट किया, और फिर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर भी कैर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं और इस बार बना लेता हूँ A2, ठीक है। तो A2 में भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम खाली छोड़ देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर SIR सर, तो ये दोनों ही चीजें लिख दी हमने, और यहाँ पर टर्मिनेट किया इसको। टर्मिनेट करने के बाद नीचे आएंगे और स्ट्रिंग कैट का यूज करेंगे, तो str cat मैं यूज कर लेता हूँ, तो str cat लिखा मैंने। str cat ये फंक्शन है जो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर कर देते हैं a1, a2, इन दोनों को हमने कर दिया कॉन्केटिनेट, और कॉन्केटिनेट करने के बाद यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पर दे देंगे स्ट्रिंग एज, ये दे दिया हमने स्ट्रिंग एज इक्वल टू %s, ये दे देने के बाद क्या करना है, ये दे देने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर हम देते हैं A1, ठीक है। पहले हम A1 को प्रिंट करवाएंगे फिर A2 को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये A1 दे दिया हमने और फिर यहाँ पर प्रिंट एफ लिखते हैं दोबारा से, तो ये लिख दिया प्रिंट एफ लिखा, और प्रिंट एफ लिखने पर यहाँ पे वही चीज की स्ट्रिंग इज परसेंट इज इक्वल टू कर देते हैं परसेंट है, तो अभी इसको सेव करने की बारी है, सेव कर लिया। अब इसको कंपाइल करवा देते हैं, तो अब ये कंपाइल हो गया है और यहाँ से इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाएंगे तो देखिए सूरज सर ये प्रिंट होकर आ रहा है और दूसरे स्ट्रिंग में सर प्रिंट होकर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ये स्ट्रिंग str cat जो है स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कराने के लिए यूज होता है, और इसमें देख सकते हैं कि ये कॉन्केटिनेट होकर आ रहा है, ठीक है। और ये परसेंट एस जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये केवल और केवल स्ट्रिंग को ही प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, इसे आप कहीं और नहीं यूज कर सकते। तो ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।